हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। आज मैं बताने वाली हूँ वनीला कपकेक, इसको कैसे बनाना है। इसको बनाना बहुत आसान है। शुरू करें। एक मिक्सिंग बाउल में एक कप वनीला प्रीमिक्स पाउडर डालें और रिफाइंड ऑयल 1/4 कप यानी 40 ml डाल दें। अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास वनीला प्रीमिक्स पाउडर नहीं है तो कैसे बनाना है उसका लिंक मैं दे चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लें। 1/4 कप दूध लीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा ही डाल के बैटर करना है। एक ही बार में पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डाल के मिक्स करें। थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। एकदम स्मूथ बैटर होना चाहिए केक के लिए। देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करें। अभी हमारा केक के लिए बैटर रेडी हो चुकी है। अभी प्री हीट के लिए कढ़ाई को गर्म के लिए रखिए। इसमें नमक कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट स्टैंड रखिए और ढक्कन डाल के 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में गरम करें। अभी कपकेक लिए हैं पेपर का, 3 लेयर ले चुकी हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट रखने वाले हैं। इसमें बैटर डालेंगे 1 टेबलस्पून, पूरा भर के नहीं डालना है। अभी सभी कपकेक को प्रीहीट कढ़ाई में रखेंगे। पहले एक केक मोल्ड में रखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट स्टैंड के ऊपर भी रख सकते हैं। अभी एक केक मोल्ड को रखिए प्रीहीटेड कढ़ाई में। 20 से 25 मिनट तक हम बेक करेंगे, लो फ्लेम ही रखना है। अभी 25 मिनट हो गया, हम चेक करेंगे टूथपिक से। अगर टूथपिक क्लीन है इसका मतलब है केक अच्छी तरह बेक हो चुकी है। इसको ठंडा करने दे। अभी व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए एक बॉल में आइस क्यूब डालिए, इसके ऊपर और एक बॉल रखे, उसके अंदर डालिए 1/2 कप व्हिप क्रीम। इसको बीटर से अच्छे से बीट करेंगे। व्हिप क्रीम को फ्रीजर से 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रखिए। धीरे से इसका स्पीड बढ़ाना है। 1-2 मिनट के लिए पहले 1 नंबर पे चलाइए, बाद में 2 नंबर। देखिए इसका क्वांटिटी डबल होते जाएगा। ऐसे कंटिन्यूसली बीट करते रहे। अभी चेक करेंगे, देखिए इसका पॉइंट ऐसा दिखना चाहिए। तो हमारा व्हिपिंग क्रीम रेडी है। इसमें डालेंगे अभी वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स, फिर से थोड़ा सा बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए स्पून से ऐसे लेके आप चेक कर सकते हैं, इसको उल्टा किया तो भी वो नीचे नहीं गिरेगा।
तब समझिए अच्छी तरह ये हमारा विप क्रीम तैयार है डेकोरेशन के लिए। अभी हमने लिए 2D नोज़ल, आपको दूसरा डिज़ाइन का नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं। एक पाइपिंग बैग में डाल दें नोज़ल को। और इसमें भर देंगे विप किया हुआ क्रीम। ये विपिंग क्रीम में आपके मनपसंद कलर ऐड कर सकते हैं, फूड कलर या जेल कलर। क्रीम डाल के अच्छे से क्लोज करें। अभी डेकोरेट के लिए रेडी है। हम कपकेक के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं आपकी मनपसंद डिज़ाइन के अनुसार। ऐसे सारे कपकेक को भी डेकोरेट कर दीजिए। अभी इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे स्प्रिंकल से। अब तैयार है सर्विंग के लिए वनीला कपकेक। आप ज़रूर बना के एक बार ट्राई करके देखिए, बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला रेसिपी है। मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। मेरा चैनल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन दबाइए, मेरा नया रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।